भारत न्यूज 24 आपको हमें कैसी कहानी बताने जा रहे हैं कि मेयर के प्रत्याशी आशीष रंजन उर्फ बबलू पांडे, जो समझिए कि गरीबों के मसीहा के तौर पे अपना व श्रवण कुमार का भी फर्ज निभा रहे, अढ़ाई महीना से समझिए कि अपने पिताजी की इन बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा वह घर पे क्या करे इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर का हाथ सीधा डॉक्टर सीधा हाथ उठा दिए कि बोले कि अब हम लोग से कोई उपाय नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का सबसे बड़ा योगदान रहा, और डॉक्टर सुधीर कुमार का, जो श्रवण कुमार के तौर पे बबलू पांडे मेयर प्रत्याशी हैं, जो हमेशा अपने पिताजी के इलाज करवा रहे हैं घर पे ही रह करके। आइए इसी बीच हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कुछ खास है, कितने दिन से इनके पिताजी की बीमार थे, उदयन हॉस्पिटल सीधा हाथ खड़ा कर दिया गया, उनके द्वारा कहा कि आप अपने पिताजी को ले जाइए और घर पे सेवा ही करवाइए। आइए बात करते हैं, हम बताइए। हाँ, ये उद्यान हॉस्पिटल में मुझे चल रहा था इनका ट्रीटमेंट अढ़ाई महीना से, जो कि उद्यान वाले ही जवाब दे दिए, और फिर इसके बाद घर पर ही इनको मतलब कि लाया गया और ला करके सारा मेंटेन करके घर को ही आईसीयू हम लोग बना दिए गए हैं, और बनाने के बाद सारा ट्रीटमेंट यहीं पर किए हैं। और बबलू पांडे जी जो भी हैं उनके स्तर से ही हॉस्पिटल मतलब घर को ही पूरा आईसीयू बना दिया गया, और पहले से पेशेंट बहुत सुधार में है, कंडीशन अच्छा है। चलिए आप बताइए। बहुत ही अच्छा है, पेशेंट पहले से बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है। ओके। और अपने आप में हम सबसे बड़ा योगदान किन का रहा है? योगदान बबलू पांडे का रहा है। ओके। और इसके बीच में जो हम देख रहे हैं देखभाल हम कर रहे हैं श्रवण कुमार कंपाउंडर है, उज्जैन हॉस्पिटल का पहले काम करते थे, लाए हुए हैं। हाँ, पेशेंट का तो ठीक ठाक है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहता है इनका, अभी 94-93 बिना ऑक्सीजन के। चलिए, और ये और भी यहाँ पे हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष से हम बात कर रहे हैं। आज जिस हिसाब से माता रानी का आशीर्वाद थे, बबलू भैया के पिताजी आज स्वस्थ हो रहे हैं, और बबलू भैया 3 महीना से अपने पिताजी के सेवा में लगे हुए हैं। माता रानी का आशीर्वाद से आज बहुत भगवान ऐसे बेटा सबको मिले, ईश्वर से मैं ही कामना करता हूँ कि अपने पिताजी का सेवा एकदम तन मन से लगे रहें, और माता रानी इन पर बबलू बाबा कृपा बनाए रखें, ऐसा बेटा पृथ्वी में कम मिलता है। हाँ बाबूजी, सीधा देखिए कि एक ही कहना है क्या कि श्रवण कुमार का फर्ज निभा रहे हैं, और जनता जनार्दन के बीच में जनता का आशीर्वाद और इनके पिताजी का आशीर्वाद इसमें मिल रहा है, इसलिए यह मेयर प्रत्याशी के तौर पे जनता जनार्दन की सेवा के लिए आ रहे हैं। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार असल भारत।